हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के 270 मामलों की पुष्टि हुई है और देखिए 97 एक्टिव मामले फिलहाल प्रदेश से सामने आ रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि इलाज के बाद 170 मरीज ठीक भी हुए हैं कोरोना से। अब तक 3 लोगों की मौत भी हुई है। और आपको बता दें कि नूह से सबसे ज्यादा एक्टिव मामले सामने आए हैं। नूह का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव मामले सामने आए हैं। देखिए नूह में कोरोना से सबसे ज्यादा 22 एक्टिव मामले हैं। और आपको बता दें गुरुग्राम से 19, पंचकुला से 15 और फरीदाबाद से भी 15 मामले सामने आए हैं। आप देखिए सोनीपत से भी 11 मामले सामने आए हैं, पलवल से भी 7 मामले सामने आए हैं और रोहतक और कैथल का जिक्र करें तो यहां से भी 2-2 मामले सामने आए हैं। और देखिए अंबाला, भिवानी, हिसार और कुरुक्षेत्र से भी 1-1 मामला सामने आया। तो आप देखिए कि प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो हालांकि कोरोना फ्री घोषित हो चुके हैं, जहां पर कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला है। लेकिन आप फिर भी देखिए कि किस तरह से आंकड़े प्रदेश भर में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच मुखातिब कराते हैं आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि पानीपत से सामने आ रही है। पानीपत में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और आपको बता दें कि यहां पर मां और बेटा दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेटे को दिल्ली के मदरसे से लाई थी मां और बेटे को यहां पर क्वारंटाइन किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से मां और बेटे में भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मां और बेटे कि जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और ये मां बेटे को दिल्ली के मदरसे से लाई थी। मां और बेटे को हालांकि फिलहाल क्वारंटाइन किया गया है ताकि ये किन किन के संपर्क में आए उनका भी पता लगाया जा सके और इनका संपर्क ज्यादा ना फैले और जल्द ही इनके ठीक होने की गुंजाइश जो है वो की जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पानीपत का जिक्र करें तो देखिए यहां से भी 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 पॉजिटिव मरीज मां और बेटा हैं। और आप देखिए कि इनके संपर्क में चाहे परिवार के लोग आए हों, आसपास के लोग आए हों, उनकी भी जांच फिलहाल की जाए। क्योंकि देखिए ये जो वायरस है व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति से संक्रमित है तो संक्रमण दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है। तो ये देखते हुए विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जैसे ही पता चलता है कि इस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं, उन्हें तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उन्हें एकांतवास में भेज दिया जाता है। तो चलिए जिक्र कर लेते हैं अब प्रदेश का कि प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति क्या कुछ और लगातार पॉजिटिव मामले अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं। वहां पर इन मामलों के बढ़ने का क्या कारण माना जाए। सबसे पहले रुक कर लेते रोहतक की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन आप बताएं कि यहां पर लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही है और मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन मामलों को अगर देखें तो क्या कारण माना जाए। हर्षवर्धन आपको बता रहे कि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति जो है बिल्कुल और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रोहतक जिले की बात की जाए तो ये जो दोनों जिस तरीके से 3 जो पॉजिटिव लोग सामने आए हैं उसका कारण ये है कि ना तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस को अपनाया ना ही लॉकडाउन की पालना की है। तो ऐसे को लेकर के जो है प्रदेश के रोहतक जिले की स्थिति भी अब बिगड़ने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से परसों रात को जो है ककराना के अंदर 2 मिले थे और कल सातला की बात की जाए तो सातला में भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो उसको लेकर के जो है रोहतक के अंदर भी काफी हड़कंप की स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जिला उपायुक्त ने भी आदेश जारी कर दिया, सख्त आदेश भी दिए हैं कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले और घरों से बाहर निकलोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति और भी खराब होने की संभावना नजर आ रही है। हर्षवर्धन कलानौर का जिक्र करें तो देखिए कलानौर के ककराना गाँव से मामला सामने आया, यानी कि अब वायरस का संक्रमण जो है गाँव देहात में भी फैलने लगा है। तो इसे कितनी गंभीर स्थिति माना जाए और गाँव वाले क्या कुछ व्यवस्थाएं करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए सोनिया, जिस तरीके से आपको बताया कि सकराना गांव के अंदर जो कलानोर के अंतर आता है, वहां पर जैसे ही दंपत्ति के बारे में पता लगा, पहले बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उससे अगले दिन जो है उनकी उसकी पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद, उसके बाद छापला के अंदर एक और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद काफी हड़कंप की स्थिति मची है। और इस वक्त की बात की जाए तो सकराना गाँव से लगभग 63 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया है और उनको एक जगह पर सेफ रखा गया है ताकि किसी प्रकार से संक्रमण आगे ना फैले और यही की यही स्थिति जो है यथावत बनी रहे। लेकिन अभी भी जो है प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन की पूरी टीम जो है रोहतक से ककराना गांव के अंदर बिल्कुल डटी हुई है और इसके अलावा सांपला में भी रुकी हुई है और हर जगह हर लोगों की जो है जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार से संक्रमण ज्यादा ना फैले। लेकिन अगर गांव की बात की जाए, जैसे गांव के अंदर अगर ये मामला सामने आता है तो काफी मुश्किल का सामना प्रशासन को करना पड़ेगा। शहर की व्यवस्था को संभाला जा सकता है लेकिन एक बार अगर गांव के अंदर इससे संक्रमण फैल गया तो उसको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हर्षवर्धन, जैसे गांव देहात में ठीकरी पहरा लगाया जा रहा है, अच्छी बात है, गांव को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, लेकिन शहरों का अगर जिक्र करें तो शहरों में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, गांवों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है शहर के अंदर, हालांकि शुरुआती दौर के अंदर सैनिटाइजिंग मशीनें जो है सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई नजर आई थी लेकिन अब वो भी दौड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से गांवों की तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है, हालांकि शहर के अंदर इतनी ज्यादा व्यवस्था खराब नहीं है लेकिन गांव के अंदर जिस तरीके से ऐसा माहौल अगर क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद व्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी कि संभालना प्रशासन या सरकार के भी हाथ में नहीं रहेगा। फिलहाल लोगों से बार बार अपील ही की जा सकती है कि वो अपने घरों में रहें, केवल जरूरी काम से बाहर निकले। हालांकि जिस तरीके से ककराना गांव के अंदर कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं जिनके बारे में कल जी हमने जिला उपायुक्त से बात की सरकारी कर्मचारियों का क्या किया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिए थे कि सरकारी कर्मचारी भी अपने घर के अंदर ही रहेंगे, वो गांव से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती थी। हर्षवर्धन, लॉकडाउन कितना सफल माना जाए रोहतक क्षेत्र में? देखिए, रोहतक क्षेत्र की बात की जाए तो लॉकडाउन जहां तक हमारा देश जो हमारे को देखने में लॉकडाउन की स्थिति जो है यहां पर पूरी तरीके से नहीं है, लोग फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं की जा रही, जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक लॉकडाउन की अवहेलना लोग करते रहेंगे और उसकी पालना नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में अब सरकार और प्रशासन को कहीं ना कहीं जो है सख्ती का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाएगा। जी हर्षवर्धन, मार्केट का जिक्र करें, किराना स्टोरों का जिक्र करें, तो उनका जो टाइम है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया, तो उस वक्त भीड़ कितनी नजर आती है यहाँ पर और उस वक्त क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आते हैं? देखिए, आपको बता दें कि रोहतक की सब्जी मंडी की अगर बात की जाए तो वहाँ लॉकडाउन की सरेआम उल्लंघना हो रही है। जिस तरीके से आज की सुबह की बात की जाए तो एक मीडिया कर्मी जब वहाँ पर गए और वो जब इस मामले की वीडियो बनाने लगे तो उनके साथ भी बदतमीजी की पुलिस वालों ने। साफ तौर पर कहा कि आप लोग वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। जब मीडिया कर्मी ने उनसे कहा कि वीडियोग्राफी किसने मना की है तो उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश है, जबकि डीसी की तरफ से ऐसे कोई भी आदेश पारित नहीं किए गए हैं कि मीडिया कर्मी जो है कहीं पर जाकर के वीडियोग्राफी ना करे, क्योंकि सब्जी मंडी जो है एक सार्वजनिक स्थान है जहां पर लोग आते हैं और वहां पर हालांकि प्रशासन दावे कर रहे हैं, मार्केट कमेटी के सचिव भी दावे कर रहे हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मंडी के अंदर भीड़ जो है किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपना रही है और आरती भी जो है ना ही वो अपना रहे हैं। हालांकि दिखावे के तौर पर रस्सियां जरूर खींची गई है, पुलिस वहां पर बार बार घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मान ले रहे हैं और ऐसे में सख्ती किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रशासन की तरफ से बार बार ये जरूर कहा जा रहा है सख्ती की जा रही है, सख्ती की जा रही है, लेकिन सब्जी मंडी की बात की जाए या और जगहों की बात की जाए तो वहां पर सख्ती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हम अलग अलग जिलों से आपको बता रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही है और कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। अभी हम रुक कर लेते हैं हिसार की ओर, जहां उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं यहां लॉकडाउन की क्या स्थिति बनी हुई है? सोनिया जी, अगर लॉकडाउन की बात करें तो जिस प्रकार से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग इसको हल्के में लेते जा रहे हैं। सुबह सुबह हर जगह पर भीड़ नजर आती है बहुत ज्यादा, और इसके अलावा प्रशासन भी अभी इतना सख्त नहीं है जितना सख्त होना चाहिए, क्योंकि जितने लगातार मामले बढ़ रहे हैं लोग इसको हल्के में लेते जा रहे हैं और ऐसा इसकी वजह भी है कि लोग इसको हल्के में ले रहे हैं तभी इसके मामले आगे बढ़ रहे हैं। अनूप, अगर मंडी व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो वहां पर क्या आड़ती किसान और जो पल्लेदार आ रहे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन हो रहा है?
सोनिया जी, दिखावे के तौर पर सारी चीजें हैं, गेटों पे सैनिटाइजर रखे गए हैं, मास्क रखे गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसको आत्म गलानी के तौर पे इस बीमारी को लेना चाहिए कि इसकी मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी है, उस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावे की चीजें सारी है। एक मंडी के अंदर हर रोज बहुत सारे किसान आते हैं, उसके साथ आड़ती होते हैं, मजदूर होते हैं। अगर एक बार उसके हाथ सैनिटाइज करवा भी दिए जाते तो उसका पूरा ट्रैक्टर है, ट्राली है, तोलने के जो कांडे हैं, उसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सैनिटाइज किया जाना चाहिए या देख रेख की जानी चाहिए। सिर्फ एक बार हाथें सैनिटाइज करने से तो इस बीमारी से बचना मुमकिन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। तो चलिए अब आपको लिए चलते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि रतिया में लॉकडाउन की क्या स्थिति बनी हुई है। अशोक, आप भी बताएं रतिया में लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही है, जनता जनार्दन लॉकडाउन के नियमों का कितना पालन करते हुए नजर आ रही है। शासन द्वारा जो बाजार में निर्धारित दुकानें खोलने का समय है उसको लेकर भारी भीड़ रतिया में देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन है वो लोगों को जागरूक कर रहा है कोरोना के संक्रमण ना फैले, इसको लेकर लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, ज्यादा इकट्ठा ना करें। उसके दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। वही दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं सोनिया कि जो 3 दिन पहले हड़ताल रही थी अनाज मंडी में, उसको लेकर जो समझौता है उसके दौरान कल एसडीएम ने जो गेहूं की खरीद शुरू करवाई है, उसमें जो रतिया की अनाज मंडी वह 36 गांव में जो सेंटर बनाए गए हैं खरीद केंद्र, उसमें 30,000 क्विंटल के करीब गेहूं की कल खरीद हुई है सोनिया। अशोक, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं यहाँ पर लॉकडाउन के चलते भी शराब तस्करी हो रही है, अवैध तरीके से शराब का निर्माण हो रहा है, तो इस तरीके की कितनी घटनाएं लॉकडाउन के चलते यहाँ देखने को मिली हैं? देखिए सोनिया, इसको लेकर जो अवैध निर्माण या इस तरह की कोई बातें हैं उसको लेकर प्रशासन ने एक दो लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है। वही मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात दिक्कत यह थी सोनिया की, जो शराब के ठेके बंद थे उसको लेकर अवैध शराब जो रतिया एरिया में निकलनी शुरू हुई थी उसको लेकर पुलिस ने शिकंजा भी कसा है, और एक बड़े शराब माफिया का भंडाफोड़ भी किया जिसने 400 लीटर लाल बरामद किया पुलिस ने, और कार्रवाई की है सोनिया। और अशोक, अगर किसानों का जिक्र करें, मंडियों में जिक्र करें, तो वहां पर कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं? बात अगर सैनिटाइजर की करें, अच्छे तरीके से किसानों की व्यवस्थाओं की करें, पीने के पानी की व्यवस्थाओं की करें, तो वहां पर क्या इस तरीके की सहूलियत अन्नदाताओं को दी गई है? तो जो मार्केट कमेटी है उसने भी मास्क यहाँ पे किसानों को बांटे थे, आरतियों को भी बांटे थे। कल खुद एसडीएम जो अनाज मंडी में आई थे निरीक्षण कर बोली शुरू करवाई थी, उस मौके पर उन्होंने भी सैकड़ों जो मास्क है लोगों को पहनाए हैं और कहा है कि बार बार सैनिटाइजर करें हाथों को, क्योंकि जो गेहूं का तौल होना है वो ज्यादातर लोहे से ही टच होना है, जो उनका माप तौल होना है उसको लेकर उन्होंने सर से हिदायत की है कि आप बार बार सैनिटाइजर करें, हाथों को धोएं और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अशोक, अगर रतिया के ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो वहां पर गांव की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए? जो गेहूं की खरीद गांव में इसी तरह प्रशासन द्वारा जो मार्केट कमेटी है उसने अपने इंतजाम किए हुए हैं। वही जो सोनिया मैं बता दूं कि जो पंजाब सीमा साथ लगते हुए हैं उसको लेकर पंजाब से जो इधर गेहूं आ रहा है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वही जो मार्केट कमेटी है उसने भी सख्त हिदायत दी है, जो उसकी नियम है उसके हिसाब से गेहूं की खरीद होगी इस एरिया में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए रतिया की स्थिति से। तो अभी हम आपको लिए चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ओर, जहां से हमारे संवाददाता भरत सावरी हमारे साथ बने हुए हैं। अब भरत, आप भी बताएं कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, लॉकडाउन धर्मनगरी में कितना सफल माना जाए? भरत देखिए सोनिया, अगर बात करें लॉकडाउन की तो 20 तारीख के बाद जो है जिस तरह से ढील की बातें की जा रही थी, लॉकडाउन लोग सड़कों पर आज रो रहे हैं पर लोग अपने जरूरी काम से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह अलर्ट है क्योंकि अब एक तरह से इस पूरी की पूरी व्यवस्था की रिहर्सल जो है सभी विभाग कर चुके हैं, तो अब इतनी मुश्किल जो है लोगों को संभालने में प्रशासन को नहीं आ रही है। पर फिर भी देखिए कई जगह ऐसी हैं जैसे जब राशन बंटने की खबर आती है या कहीं बैंक से पैसे निकालने की बात आती है तो अक्सर वहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। और दूसरी तरफ अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की तो आजकल देखिए मंडियों का सीजन चला हुआ है तो प्रशासन जो है प्रशासन के द्वारा अस्थायी रूप से मंडियां बनाई गई है, वहाँ पर जो है
देखिए सरकारी नियमों की बिल्कुल पालना नहीं हो रही है, अगर एक तरह से आप कहें कि सभी नियम साथ पर रखे जा रहे हैं तो वो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी जो व्यवस्थाएं सरकार देने की बात कर रही है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है सोनिया। और अगर बात करें शहरी क्षेत्र में तो लॉकडाउन लगभग जो है वो कामयाब माना जा रहा है। अब भारत अगर कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो क्योंकि कई गांवों में ठीकरी पहरा भी दिया जा रहा है, जरूरी भी हो जाता है कि गांव में कोई अनजान व्यक्ति ना आए ना गांव के लोग बाहर जाएं, तो यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या व्यवस्थाएं की गई ग्रामीणों की ओर से ग्राम पंचायतों की ओर से? इस तरह कोरोना ने अपना कहर बरपाया है उसको लेकर गाँव में भी नहीं बल्कि शहर की भी कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर नाके लगा दिए गए हैं लोगों द्वारा, और गाँव में जो है गाँव में बिल्कुल सख्ती बरती जा रही है क्योंकि जिस तरह से कोरोना से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं उस तरह से गांव में जो है लोग अब सख्त होने लगे हैं। और गांव में पहले रात के समय ठीकरी पहरा लगाया गया था पर अब जो है परमानेंट नाके लगा दिए गए हैं, गलियां बंद कर दी गई हैं और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, और अगर कोई गांव में आता है या गाँव से निकलता है तो किसी जरूरी काम के कारण ही उसे गाँव से निकलने दिया जाता है, वरना गाँव के अंदर सरपंच और जो दूसरे मौजूदा लोग हैं वो पूरी तरह से गाँव को कवर किए हुए हैं और किसी को भी गाँव के अंदर आने जाने की इजाजत वो लोग नहीं दे रहे हैं। भारत अगर मंडियों का यहाँ पर जिक्र करें, फसल खरीद केंद्रों का यहाँ पर जिक्र करें, तो क्या किसान उन तमाम व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया मंडियों की अगर बात करें तो किसानों के लिए गेट पास जो है एक बड़ी समस्या बन गया है, गेट पास के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और समय पर गेट पास इशू नहीं हो पाते, और दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं जिनकी सरकार बात कर रही थी अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सुविधाएं देने की बात की जा रही थी उन सुविधाओं में से कोई भी सुविधा जो है आपको मंडी में नजर नहीं आएगी, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि खरीद के लिए किसान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो अस्थायी रूप से बनाई गई मंडियों में कहीं कहीं घंटे अधिकारी जाकर झांकते तक नहीं है कि वहाँ किसानों की हालत क्या है, किसान किस तरह से अपने जो गेहूं है उसकी रखवाली कर रहे हैं। तो बहरहाल प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे हम कह सकते हैं कि प्रशासन अब तक उन दावों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। और भारत अगर लोगों का जिक्र करें तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं क्या उनको आसानी से उपलब्ध होती दिख रही हैं आपके क्षेत्र में? देखिए लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं देखिए समस्या तो लोगों को रहेगी पर फिर भी लोग जो है इसे एडजस्ट कर रहे हैं, और रोजमर्रा की जरूरतों की अगर बात करें उनको लेकर जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ एक टाइम निर्धारित किया गया है सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक का, तो उसके बाद जो है आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें केमिस्ट की दुकानें तक भी बंद हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, पर हालात ऐसे हैं कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि मजबूरी के तहत ये चीजें जो है उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए लोग भी अब इन चीजों से समझौता कर चुके हैं, पर फिर भी दिक्कतें लोगों के लिए बराबर बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की तस्वीर से मुखातिब कराने के लिए। तो देखिए हमने आपको अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखाई और बताया कि किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब देखिए संक्रमण गांव देहात में भी फैल रहा है, तो इस वक्त ये जरूरी हो जाता कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में ही रहें, और अगर हम घर से बाहर भी जा रहे हैं चाहे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने जा रहे हैं या फिर अगर आप किसान हैं मंडियों तक जा रहे हैं तो उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, जरूर इन तमाम नियमों का आप पालन करें, क्योंकि देखिए जरूरी हो जाता है इस वक्त हमारा सावधान रहना, सतर्क रहना, और इसी सावधानी और इसी सतर्कता के साथ हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।